सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में तुम्हारा भाई खोलने वाला है एक होटल। तो गाइज, फिलहाल हम बस में बैठ के पहुंचने वाले हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे हमारा होटल होने वाला है। लेकिन गाइज, उससे पहले एक बार आप नज़ारे देखिए गाइज, बहुत ही प्यारे नज़ारे होने हैं यहाँ पे, पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे। तो बाकी गाइज, यही है हमारा होटल, अभी हम पहुँच ही गए हैं यहाँ पे। भाई साहब, बस वाले भाई साहब, रोक दो, हमको यहीं पे उतरना है। तो गाइज, अभी फिलहाल बस हमको उतार के यहाँ से बढ़िया अपनी निकल चुकी है, और यहाँ पे अब हमारे अलावा कोई और नहीं है, है तो बस हम और हमारी होटल है। बाकी गाइज, आप एक बार व्यू देखो सामने का, माउंटेन वगैरह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लेकिन गाइज, यहाँ पे उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई आसपास में घर या दुकान वगैरह नहीं है, तो चोर वगैरह का बहुत ज़्यादा खतरा है। और रियल लाइफ में जैसे चोरी वगैरह होती है, वैसे यहाँ पे चोरी होती है। तो गाइज, हमें उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कोई चोर वगैरह नहीं आ जाए। यहाँ पे डकैते भी आते हैं, जो कि हमारे कस्टमर को मार भी सकते हैं गाइज। और तो यहाँ पे दादाजी एक लेटर छोड़ के गए, उसको पढ़ना है हमें, और उस पर क्या लिखा हुआ देखते हैं गाइज। यस यस, ओके। तो गाइज, इसमें हमारे दादाजी ये बोल रहे, गाइज एक बार ये गाड़ी देखो यहाँ पे। गाइज, ऐसी ही बात नहीं है कि एकदम सुनसान है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन रुकते बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी बंद है ना मोटेल वगैरह। जब भी ये खुल जाएगी तो यहाँ पे लोग रुकने भी लग जाएंगे, तो फिर हमारी कमाई भी होने लग जाएगी और मोटेल की रेटिंग भी बढ़ेगी। हाँ, तो गाइज, उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि हमारे दादाजी ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम प्रॉपर्टी का पूरा ख्याल रखोगे। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो हमारा ऑफिस है, और ये 3 रूम बने हुए। ओहो गाइज, एक बार रूम की हालत देखो तुम, कितने बेकार रूम लग रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं दादाजी कैसे चलाते होंगे ये मोटेल वगैरह। ये क्या पता नहीं, गाजर वगैरह पड़ी है इधर, इनको भी सफाई करेंगे, और ये रूम अपन दोबारा से सही से रेनोवेट करके इनको किराए पे देने के लिए रेंट पे चढ़ा देंगे वापस। और गाइज, ये देखो इन बॉक्स में है क्या कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, खाली बॉक्स है फालतू के, फालतू का कचरा गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन रूम के दरवाजे बेड शायद कोई चोर वगैरह ले गए, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है ना, ये ऑफिस है। इसका दरवाजा भी दादाजी ने कैसे पैक किया देखो गाइज, ये फंटे लगा के गए दादाजी के पास, होंगे नहीं पैसे वगैरह दरवाजे के, तो वो हटाओ। क्या एक साथ में 2-3 उठा सकता हूँ? हाँ, एक साथ में 2-3-4 उठा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। फेंको इसको यहाँ से। और अभी हमारा टास्क है टर्न ऑन द पावर। अच्छा, इनको कंप्यूटर ऑन करने से पहले वो लाइट की सप्लाई ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ से होती लाइट की सप्लाई, और जनरेटर ये चलेगा क्या? ये पता नहीं कैसे चलेगा, अभी तो लाइट आ रही है गाइज। तो गाइज, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी लाइट चली जाए बारिश वगैरह के टाइम पे, तो तुम इस जनरेटर को चला के लाइट उत्पन्न कर सकते हो, जो कि फ्यूल से चलने वाला है। और फ्यूल स्टेशन तो हम बनाएंगे, तो हमारे पास फ्यूल की कमी होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं, क्योंकि लाइट वगैरह तो यहाँ पे आ चुकी है अभी। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर, कैसे ऑन होगा ये? गाइज, नो इलेक्ट्रिसिटी, अभी तो ऑन किया था इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसका प्लग नहीं लग रहा ना यहाँ पे, इसमें लगेगा शायद। इसको यहाँ से उठाना है, इसको लगाना है यहाँ पे, और फिर इस वाली वायर को इस प्लग में लगा देना है, और अब मे बी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया होगा। लेट्स गो गाइज, हमारा कंप्यूटर हो चुका है ऑन, इसको एक बार चला के देखते हैं। तो गाइज, इसमें हमारे पास 3 बिजनेस होने वाले, मोटेल पहली, तो शॉप और गैस स्टेशन, तीनों को हमें हैंडल करना है। और गाइज, इस गेम में मैं कोई एम्प्लॉय वगैरह भी रख सकता हूँ, लेकिन अभी गाइज इतना पैसा नहीं है एम्प्लॉय वगैरह रखने के जितना। और गाइज, यहाँ पे रूम की रेंट वगैरह, एक रूम के $100 गाइज, इस रूम के $100 रेंट है। देखो एक बार, कौन ही आता होगा यहाँ पे दादाजी के। लेकिन गाइज, फिर भी दादाजी चलाते थे यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया चलती है मेरे को पता है। तो अभी हमको क्लीन योर ऑफिस, सबसे पहले ऑफिस ही होती है गाइज सबसे पहले, तो इसको क्लीन करते हैं। ये पता नहीं क्या पड़ा है, अमरूद वगैरह दादाजी खा के यहीं फेंक के चले गए होंगे। लेकिन गाइज, ये उसके बाद का है, क्योंकि दादाजी को गए काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ सड़ जाता तब तक। तो चलिए सबसे पहले इस कचरे को उठाते हैं यहाँ से, बाल्टी लेते हैं अपन कचरे की, और इसको डालते इसके अंदर फटाफट से गाइज। अभी क्या, हम नए नए, तो हाथ हमारा धीरे चल रहा है काम में, लेकिन कोई बात नहीं गाइज, स्पीड बन जाएगी धीरे धीरे हमारी भी। तो गाइज, छोटा मोटा कचरा तो मैंने बाल्टी में उठा लिया, लेकिन ये बड़े बड़े कचरे में बाल्टी में नहीं उठा सकता, तो इनको हाथ से उठाना पड़ेगा। लेट्स गो गाइज, सबसे पहले इनको उठाते हैं। और गाइज, एक बार बाहर देखो, इतना कचरा था, उठाते उठाते रात हो गई। और रात को गाइज देखो, मैंने बोला था ना, दिन में जितने ये मस्त दिखता है ना, उतना ही रात को खतरनाक दिखता है। गाइज, एक बार यहाँ से नज़ारे देखो गाइज, कितना खतरनाक मौसम वगैरह हो रखा है, बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है।
तो अभी गाइज हम जल्दी से थोड़ी और सफाई रह रही इसको सफाई करते हैं, फिर यहाँ से सोने चलते हैं गाइज, क्योंकि रात को काम करना यहाँ पे सही नहीं रहेगा गाइज, ये लास्ट रह गया था। बस गाइज मैंने पूरा कचरा यहाँ से क्लीन कर दिया है और इसको एक बार डस्टबिन में डाल के फिर जल्दी से सो जाते हैं, ताकि कल सुबह होने पर अपन काम करेंगे वापस। इनको मैंने डाल दिया डस्टबिन में और अभी हम सो जाते हैं। एक बार झाड़ू भी लगा देता हूँ मैं, फालतू में सुबह सुबह झाड़ू लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये यहाँ पे कचरा है यहाँ पे रह रहा है, ये फुटप्रिंट है किसी के। ऑलमोस्ट गाइज हमने पूरी सफाई का टास्क कंप्लीट कर दिया, अभी सोने चलते हैं, फिर बाकी काम अपन सुबह करेंगे गाइज। ऑलराइट गाइज यहाँ पे बेड अपना आ चुका है, यहाँ पे सोते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बाहर चलते। ओ गाइज काफी लेट हो गया, क्योंकि रात को हम थकान से सोए थे तो सुबह जग नहीं पाए, 8 बज गए गाइज। और आज के दिन में मुझे ये तीनों रूम की सफाई करनी, तीनों की तो नहीं गाइज, कम से कम एक रूम की तो सफाई हम कर ही लेंगे। तो इसको क्लीन करते हैं सबसे पहले, फिर इसमें क्या टास्क है कि इसमें हमें लैंप भी लगानी है दो। तो सबसे पहले ये छोटा मोटा कचरा यहाँ से उठा लेते हैं अपन, तो सबसे पहले इसको डाल देते हैं यहाँ से डस्टबिन में। यहाँ से डाल सकता हूँ क्या मैं गाइस? तीनों पूरा कचरा बाहर गिर गया, कोई बात नहीं उसको बाद में उठा लेंगे, लेकिन पहले हम इस रूम की सफाई करते हैं यहाँ से। फिर छोटा मोटा कचरा इस डालते हैं बाल्टी में। ऑल राइट गाइज, इस रूम का कचरा भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा उठा लिया, अब बस झाड़ू लगाना है। पहले इसको डस्टबिन में डालते गाइज, ये पूरा कचरा बाहर क्यों गिर रहा है पता नहीं, इसको सही से डालते हैं अपन डस्टबिन में इस बार, है ना? यस हाँ, ये सही से डल गया डस्टबिन में। फिर अभी इस रूम का झाड़ू लगाते हैं और फिर इसमें दो लाइटें लगानी है, ये हमारा टास्क है। झाड़ू का कोई टास्क नहीं था, फिर भी गाइज साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ पे रह गए कचरा और गाइज ऑलमोस्ट इस रूम का मैंने झाड़ू भी बहुत साफ सफाई से लगा दिया है। अब मेरा टास्क है कि उस रूम में लाके दो मैं लाइट लगा दूँ। लाइट हमारी वेयर हाउस में, वेयर हाउस कहाँ है गाइज? वेयर हाउस में भी शायद ये वाला हो। हाँ गाइज यही हमारा वेयर हाउस है, इसमें लाइट दो लैंप ये रही। चलो गाइज इनको उठाते हैं और लेके चलते हैं, और इस रूम में लगानी है तो एक वाले ही लगा देते हैं यहाँ पे और दूसरी वाले को लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे रूम में हो जाए लाइट। तो अब हमारा नेक्स्ट काम रहता है गाइज, इस रूम में फर्श का काम और पेंट करना है रूम में, तो जल्दी से पेंट करते हैं रूम में। ये रही हमारी, ये शायद जो भी है गाइज, इनको यहाँ से उठा लेते हैं एक बार, पूरा सामान लेके चलते जो भी हो। तो गाइज ये हमारी टाइल्स और ये आ चुका है पेंट, तो सबसे पहले कलर करते हैं इसमें। इसको बाल्टी में से निकाला और यहाँ से पेंट करना करते स्टार्ट। तो गाइज फिलहाल इस वाले वॉल का तो पेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब रह गए ये वाली और ये वाली, तीन वॉल। और यहाँ पे बाथरूम में भी पेंट ही करना है, टाइल वगैरह नहीं है हमारे पास, और छत पे भी पेंट ही करना है गाइज। तो यहाँ पे दो बाल्टी है हमारे पास और दो और स्टोर रूम में पड़ी है, कुल मिला के 4 बाल्टी में पेंट हमारा शायद कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है तो हम और ऑर्डर कर देंगे, लेकिन अभी देखते हैं इनसे होता है कि नहीं होता। तो गाइज यहाँ से उठाया इस बाल्टी में से पेंट और यहाँ पे इस दीवार पे लगाया ऐसे, और ये देखो गाइस पेंट करना काफी आसान है, तो यहाँ से उठाया और इसको लगाया इस पे ऐसे। तो गाइस जल्दी से करते हैं तीनों वॉल को कंप्लीट। तो गाइस अभी मैंने, आप देख सकते हो, तीनों वॉल पे पूरी तरीके से पेंट कर दिया और बाल्टी हमारी काफी आधी हो चुकी है, लेकिन मे भी वो दो बाल्टी और मिला के पूरा कलर हो जाएगा। बाथरूम में करते हैं अभी और फिर करते हैं छत को। तो यहाँ से इसको उठाया और फिर लग जाते हैं बाथरूम में भी। तो फिलहाल अभी हमारा कलर खत्म हो चुका है और बाथरूम की छत भी रह रही है और ये वाली पूरी रह रही है, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, उसमें 2 बाल्टी एक्स्ट्रा पड़ी है और वो भी खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास डॉलर है थोड़े बहुत, उससे हम न्यू ऑर्डर कर देंगे। पेंट की टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है गाइज, यहाँ पे देखो 2 बाल्टियां पड़ी पूरी भरी हुई। चलो इनको उठाते हैं यहाँ से, और मेरे ख्याल से गाइज 2 बाल्टी से कलर पूरा हो जाना चाहिए, तो अभी इन 2 से कंप्लीट हो जाएगा। इनको रखते हैं यहाँ पे। तो गाइज पहले यहाँ से छत का पेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से ऐसे। तो फिलहाल अभी हमारा पेंट का काम पूरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आप देख सकते हो, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा रह रहा है बाथरूम में, इसको भी कर देते कंप्लीट। ये और ये हो गया कंप्लीट, ये गाइज इधर भी रह गया थोड़ा, पता ही नहीं चला। चलो गाइज ऑलमोस्ट पूरा पेंट का काम डन हो चुका है, बाहर भी करना है क्या पेंट? गाइज बाहर भी कर ही देते हैं पेंट, तो गाइज लगे आज बाहर भी पेंट कर देते ताकि अच्छा लगेगा। तो यहाँ से उठाया पेंट को, तो गाइज बाहर की साइड भी हमारा ऑलमोस्ट पेंट यहाँ पे डन हो चुका है, बस ये एक रूम का ही हो पाएगा गाइज, इतना पेंट नहीं है कि हम तीनों रूम में कर सके, लेकिन बाद में हम ऑर्डर करके दोबारा कर लेंगे, लेकिन गाइज जितना है अभी वो ऑर्डर कर लेते हैं। और ये पुलिस की गाड़ी का सायरन कहाँ से आ रहा है गाइज? गाइज ये पुलिस वाला यहाँ पे क्यों आया हमारे ऑफिस में? हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना कहीं? हेलो हेलो भाई साहब, ये पुलिस वाला क्यों आया था? कोई चेकिंग वेकिंग करने आया होगा गाइज, कोई खबर मिली होगी इसको इसलिए आया, लेकिन ये बढ़िया अपना चुपचाप जा रहा है, अपन से तो कुछ बोला नहीं। और गाइज शाम होने को आई है, तो गाइज आज दिन भर में मैंने पेंट का काम कम्प्लीट कर दिया है
और अभी भी रात होने में काफ़ी टाइम है और मैं रात को भी आज काम करूंगा, मेरा सोने का मन बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज अभी ये पेंट की खाली बाल्टी की तो अपन डाल देंगे डस्टबिन में, जो रह रहा है उसको हम वापस वेयर हाउस में रख देंगे ताकि हम दोबारा जब भी काम करेंगे, आधा पेंट है तो फालतू फेंकेंगे नहीं, इसको काम आएगा बाद में। तो इसको यहाँ से डाल दे डस्टबिन में। गाइज वो आगे बाहर चली गई, कोई बात नहीं, ये डाल दिया डस्टबिन में, जो भी कचरा है बाद में हम उठा लेंगे। एक बार तो गाइज थोड़ी जल्दबाजी है ना, क्योंकि जल्दी से काम स्टार्ट करके हमें पैसा बनाना है। तो अभी यहाँ से ये वुडन टाइल्स है ना, जो तो शायद इसमें लगेगी और ये लाल वाली बाथरूम में लगेगी, तो यहाँ से इसको लगाना करते स्टार्ट। ये लो, काम बड़ा जल्दी हो रहा है। अब तुम्हारा भाई का हाथ भी धीरे धीरे बैठने लग गया, तो स्पीड भी काफी अच्छी बन गई है। आधे में लग गई और आधे में रह गई, तो अभी एक और बॉक्स है अपने पास, इससे शायद पूरी हो जाएगी ये टाइल। तो गाइज रूम में फर्श का काम भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं पहले और ये वाली टाइल उठा दे। लो गाइज बॉक्स की जगह पे वहीं पे वैसे ही रह गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा लगा देंगे। तो बाथरूम में, बाथरूम की टाइल तो बहुत ज्यादा है, बच भी जाएगी आराम से। और यहाँ पे भी ये बाथरूम वाली लगा देते हैं ना, ये वाले यहाँ लगा देते। गाइज ये वाले सही नहीं लग रही मेरे हिसाब से, यहाँ पे गाइज अपन वुडन वाले नहीं, सही है, यही सही है बाथरूम वाले। और यहाँ पे भी रह रही है गाइज, को लगा देते। ओ गाइज ये नहीं, ये वाले नहीं, यहाँ पे वुडन वाले लगानी है, ये वाले यहाँ पे मैंने गलती लगा दी, को हटाते हैं यहाँ से। ये लो, और जहाँ पे रह रही थी वहाँ पे भी ऑलमोस्ट। चलो गाइज फर्श और पेंट का काम तो ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीट हो गया हमारा, तो ये बचा कुचा सामान वापस हम वेयर हाउस में रख देते हैं, ताकि जब भी दोबारा काम पड़े तो हम वहाँ से लाके इनको यूज ले सकते हैं। गाइज फालतू पैसा नहीं उड़ाना अपने को, अपन फेंक भी सकते हैं लेकिन फेंकेंगे नहीं, क्योंकि आधी आधी बाल्टी कलर पड़ा है तो वापस रख देते हैं। तो गाइज अभी रात हो चुकी है और सोने का टाइम भी हो चुका है, लेकिन तुम्हारा भाई अभी सोने का मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि और सामान वगैरह ऑर्डर करना है ना इसके लिए। तो अभी रूम में क्या क्या चाहिए आप देखो एक बार। एक बार तो यहाँ पे चाहिए दरवाज़ा, और यहाँ पे बाथटब वगैरह, पोटसीट, ये सिंक वगैरह, मिरर, और क्या क्या चाहिए गाइज, पर्दे चाहिए, पंखे, एसी वगैरह। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे पता नहीं गाइज क्या लगेगा, और बेड, बेड वगैरह बहुत सारा सामान है। यहाँ पे दरवाजे नहीं है गाइज, मेन इंपॉर्टेंट, तो सामान ला के रखे और पता चले चोरी हो जाए, इसलिए दरवाजे पहले लाएंगे। बाकी गाइज एक बार इस वाले रूम को देखो आप, और फिर दोबारा वापस अपने इस रूम को देखो जिसको हमने तैयार किया, रूम नंबर एक को। गाइज मस्त लग रहा है ना प्यारा। तो अभी इससे हम सामान ऑर्डर करते हैं, तब तक लाइट को कर देते हैं बंद, ताकि फालतू बिल वगैरह नहीं आए, अपना खर्चा नहीं हो। गाइज देखो रूम में काफी अंधेरा हो गया, लेकिन अभी अभी सामान ऑर्डर करते हैं हम, जो जो रूम में चाहिए ना वो सामान ऑर्डर करते हैं यहाँ से, यहाँ पे डिलीवरी में। अपने को चाहिए गाइज बेड, बेड अपन देखते हैं कौन सा वाला लूंगा। बेड गाइज ज्यादा महंगा बेड नहीं लेंगे, क्योंकि गाइज इतना बजट भी नहीं है, और अपने पास नहीं ज्यादा महंगा और नहीं ज्यादा सस्ता, ये वाला ले लेते गाइज, $69 का है, और महंगे से महंगा $99 का है, 99 वाला नहीं लेंगे गाइज, नहीं ज्यादा महंगा नहीं ज्यादा सस्ता, ये वाला गाइज मेरे को सही लग रहा है, दिखने में प्यारा है। लो गाइज ये हो गया बेडशीट, बेडशीट ये वाले ले लेते गाइज, दो आ जाएगी इसमें। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट गाइज व्हाइट नहीं लेंगे अपन, ब्लैक से रहेगी है ना, तो ये ले लेते हैं। पिलो, पिलो अपन बेडशीट यदि हाँ ब्लैक है तो पिलो व्हाइट लेना पड़ेगा गाइज, क्योंकि अलग थोड़ा यूनिक लगना चाहिए ना, दो ले लेते अपन है ना, दो पिलो। और डोर गाइज बाथरूम के लिए तो मैं ये लूंगा व्हाइट वाला, क्योंकि रूम का कलर व्हाइट है तो व्हाइट लेंगे। और बाहर के लिए ये वाला ले लेते, ग्रे वाला सही रहेगा, बाकी ये लाल, लाल सही नहीं रहेगा गाइज, ये वुडन वाला भी ले सकता हूँ मैं, देखते गाइज ये वुडन वाला और ज्यादा सही लग रहा है, नहीं तो फिर ये वाला ले लेते ना ब्लैक वाला। सीलिंग लैम्प अभी कोई जरूरत नहीं है गाइज, दो लगा दिए अपने। बाथटब, बाथटब कौन सा ले गाइज, ये सस्ता वाला ये ले लेते हैं। सिंक, सिंक गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस है, ये सस्ता वाला ये लेंगे गाइज, अभी पैसा खर्च नहीं करना बिल्कुल भी, बाद में अपन ज़्यादा महंगा रूम बनाएंगे तो महंगा ले लेंगे। टॉयलेट भी अपन ये वाले ले लेते हैं, ये वाले थोड़ी बढ़िया लग रही है ना, टॉयलेट पेपर तो गाइज जरूरी है, ये ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हीटर बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये वाला एक हीटर ले लेते हैं। कर्टेन, कर्टेन रूम का कलर वाइट है तो अपन डार्क कर्टेन लेंगे, ये वाले ले लेते हैं, महंगे हैं लेकिन गाइज, नहीं गाइज ये वाले नहीं लेंगे अपन, अपन कर्टेन बाथ ये वाले ले लेते हैं विंडो के लिए, और ये वाले ले लेते हैं बाथरूम के लिए। सीट, सीट नहीं लेंगे गाइज, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। लैंप, लैंप की भी कोई जरूरत नहीं है। टेबल भी अभी फिलहाल के लिए बहुत कम सामान लेंगे, अभी जैसे जैसे पैसा आएगा और तो दोबारा ले लेंगे। इलेक्ट्रिक में एक पंखा ले लेते हैं गाइस, क्या पता कभी गर्मियों के टाइम में भी काम आएगा, ये वाला पंखा सही लग रहा है भाई। ये वाला पंखा लूँ क्या मैं, नहीं नहीं ये वाला ही सही है, पंखा तो यही सही है। कारपेट भी नहीं लेंगे अपन, होल्डर,
ये होल्डर क्या है गाइस? अच्छा ये टॉवल वगैरह रखने के लिए है, जो अपने लिए थे ना टॉवल वगैरह, तो उसको रखने के लिए होल्डर ले लेते हैं। एक तो टॉयलेट पेपर के लिए, टॉवल के लिए गाइस सस्ता सस्ता लेते हैं। बाकी कुछ ये टॉयलेट स्प्रे वगैरह इतना अपना महंगा होटल भी नहीं है गाइस। एक मिरर ले ले गया, सस्ता वाला ले लेते हैं मिरर, है ना। चलो गाइस इसको करते ऑर्डर। तो यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन है, स्लो, मीडियम और फास्ट। फास्ट लेंगे ना डिलीवरी, 2 घंटे में डिलीवरी मिलेगी, लेकिन गैस उसका पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। चलो मीडियम वाली कर देते हैं ना, स्लो में $0, 4 घंटे में आ जाएगी। चलो ये सही है। और ट्रक मंगाना पड़ेगा गाइस, नहीं इसमें सामान नहीं आएगा, ट्रक में ही आएगा। तो गाइस अभी हमारा हो चुका है ऑर्डर, और ऑर्डर आएगा सुबह तक, 4 घंटे लगेंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 3, और सुबह तक अपन सो जाते गाइस। आज बहुत लेट हो गए अपन। ये रहा अपना बेड। गुड मॉर्निंग गाइस, रात को भी लेट सोए थे और सुबह जल्दी भी उठ गए अपन। और इतने में उठते ही देखो गाइस क्या कमाल हो गया, हमारा डिलीवरी ट्रक भी आ गया है यहाँ पे। मुझे पता ही था कि आने वाला है, उस टाइम से मैं उठा हूँ। तो अभी हमारा डिलीवरी बॉय आ चुका है गाइस। देखो एक बार कितनी प्यारी तरीके से डिलीवरी लेके आया है यहाँ पे, डैनजोन डिलीवरी। अमेजोन तो सुना है गाइस, ये डैनजोन क्या है पता नहीं, कोई नई कंपनी होगी। और भाई साहब हमारा सामान रख दो यहाँ पे, इसमें रख दो गाइस। हेलो हेलो गाइज, ये सामान शायद हमें खुद उतारना पड़ेगा। वो तो बढ़िया, उधर जाके खड़ा हो गया अपना, ये यहाँ से खुलेगा शायद। अच्छा ओ गाइज, तो ये सामान यहाँ पे हमारे दरवाजे हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो गाइज ऑलमोस्ट सामान मैंने पूरा अनलोड कर दिया, बस थोड़ा बहुत रह रहा है जो कि अंदर जाके उतारना पड़ेगा हमको। ये पंखा और ये ब्लैंकेट हमारी, और ये शायद बेडशीट। तो गाइज अभी मैंने पूरा सामान अनलोड कर दिया, इसको रखते हैं यहाँ पे। तो गाइज ऑलमोस्ट मैंने पूरा सामान यहाँ से अनलोड कर दिया। गाइज देखो एक बार कितना ज़्यादा सामान मंगाया अपन ने, पूरा ग्राउंड भर सा गया। एक बार देखो गाइज दरवाजे वगैरह, वैसे पूरा आ गया ना सामान, नोट कर लो एक बार। बेड, पिलो वगैरह, बाथटब, पोटसी एंड दरवाजे दोनों आ गए। हाँ तो गाइज ऑलमोस्ट हमारा सामान पूरा आ चुका है यहाँ पे, देखो गाइज है ना पूरा सामान आ गया है। तो चलो भाई इसको यहाँ से बोल देते भाई जाओ, ये कर दिया दरवाजा बंद। हेलो भाई, उसको बोलना पड़ेगा कि कुछ, अच्छा इसको बताना पड़ेगा कि हमने पूरा सामान उतार दिया। तो ये अपना निकल जाएगा, चल जा भाई। हाँ निकल गया गाइस, वो अपना ट्रक लेके चला जाएगा यहाँ से। अपन ये सामान पूरा अंदर रखते हैं, क्योंकि शाम हो गई तो फिर चोर वगैरह खतरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले सामान को अंदर रखते हैं बारिश से। बाकी तुम एक बार इस रूम को देखो, तुम्हारे भाई ने कैसे चमका रखा है, कलर वगैरह करके एकदम लगे हाथ। मैं सामान को लगा भी दूंगा यहाँ पे, है ना। तो बेड को रखने वाले अपन यहाँ पे एकदम बढ़िया सा, इस साइड में ना, साइड में रखे या बीच में सही रहेगा यहाँ पे। और इसको लगा देते हैं यहाँ पे बाथरूम में। चलो इसको ये लगेगा यहाँ पे, और ये लगने वाला अपने यहाँ पे, और बाथटब को भी लगे हाथ में लगा ही देते हैं। ये लग गया यहाँ पे। तो गाइज इसमें क्या है, एक बार खोल के देखते हैं इसमें क्या। अच्छा इसमें तो वो टॉयलेट पेपर है ना। तो गाइज जो सामान रह रहा है और उसको ला के जल्दी से लगा देते हैं। पहले हम अपन दरवाजे लगा देते हैं ना, इसे खुला पड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ से इन दरवाजों को उठाते हैं दोनों को, इसको और फिर उठाए इसको। एक लगेगा यहाँ पे, दूसरा वाला लगेगा यहाँ पे। चलो ये बढ़िया लग गया। अरे गाइज एक बार देखो, मैंने ये दरवाजे शायद उल्टे लगा लिए। ये वाला मैंने बाथरूम के लिए लगाया था, तो ये वाला मैंने बाथरूम के लिए मंगाया था और वो बाहर के लिए मंगाया था। गाइज उल्टे लगा दिए, ऐसे ये अच्छा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। वापस इसको वहीं पे लगाते गाइज, इसको यहाँ से। ये हुई ना बात, पहले वो गलत लगा दिए थे इसलिए गलत लग रहा था। अब देखो ये बाहर बढ़िया लग रहा है ना, वाइट कलर का पेंट है ना, इसलिए मैंने ये दरवाजा मंगाया। बाकी ये लाइट पहले से लगी हुई थी शायद, अपन ने तो नहीं लगाई है ना। और इसको लगा देते हैं यहाँ पे, ये दीवार के कलर से मैच करेगा तो यहाँ पे बढ़िया से लगेगा। तो इसको लगा देते हैं यहाँ। ऑलमोस्ट हमारे दरवाजे वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत सामान रह रहा है उसको भी लाके अंदर रख देते हैं। बाकी सामान ये टॉयलेट पेपर वगैरह, बेडशीट वगैरह यही रह रहे हैं। ये पंखा गाइस रह रहा ना, ये पंखा, ब्लैंकेट, बेडशीट और ये हमारा वो। तो अभी जो सामान रह रहा है इसको भी यहाँ पे लगे हाथ अपन लगा ही देते हैं, फालतू में लाना ले जाना। तो ये यहाँ पे लगेगा शायद इसको। तो ये हमारा हीटर लगेगा यहाँ पे। बाकी ये बचा कुचा सामान अपन ले लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पूरा सामान अंदर लेके आ चुका हूँ, और बाहर देखो एक बार काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए रूम के अंदर भी अंधेरा हो चुका है। तो लाइट किस लिए लगा रखी है, फिर यहाँ से लाइट को करते ऑन। एक बार देखो फिर से रूम चमक गया हमारा। तो ये सामान पूरा हम रखते हैं। अभी मेरा सोने का मन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ा है ना, इसलिए सोने का मन बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी क्या काम रह रहा है, अभी पंखा। तो अभी लगा देते इधर पंखे को। पंखे की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में पंखे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपन देंगे ना पूरी फैसिलिटी, देंगे कस्टमर को फैसिलिटी गाइज पूरी देंगे, तो वो दोबारा आएंगे कभी। इसमें क्या है, इसमें शायद ये कर्टन है यहाँ पे लगेगा इस वाली विंडो पे। तो यहाँ पे इसको लगाते हैं। लो गाइज मैंने
एक ही मंगाया था और ये आधी विंडो में आ गया, आधी विंडो वैसे ही रहेगी, कोई बात नहीं अगली बार मंगा लेंगे अपन। और ये मेरे लगेगा बाथरूम में ही लगाएंगे इसको, को लगा देते हैं यहाँ पे वाश बेसन के जस्ट ऊपर है ना, ताकि मुंह वगैरह धोते टाइम आराम से देख सके। और इसमें क्या है अपना, इसमें गाइज ये वाला पर्दा अपन बाथरूम के लिए लेके आए थे ना वही है, इसको लगाते यहाँ पे। ये देखो गाइज दो पर्दे है ये, नहीं ये इसका डिजाइन है ऐसे शायद। चलो गाइज अब तो ये कर्टन वगैरह सब कुछ हमारा काम डन है, अभी ऑलमोस्ट ये रह रहा है टॉयलेट पेपर। एक सेकेंड, तो यार वो डिलीवरी वाला हमारे साथ कितना बड़ा चीट करके चला गया, उस वो टॉयलेट पेपर स्टैंड वो जो हमने मंगाए थे वो लेके ही नहीं आया गाइस, नहीं गाड़ी में थे ही नहीं, वो लेके ही नहीं आया, फालतू पैसे खा गया हमारे। अब उसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकते हम, या तो फिर मैंने वो टॉयलेट पेपर ऑर्डर नहीं किए, नहीं तो फिर वो लाया नहीं, और या फिर गाड़ी में रह गए, तीनों में से एक रीजन हो सकता है गाइस। तो आप कमेंट में बताओ, मैंने ऑर्डर किए नहीं किए, मैं तो अब भूल गया हूँ, तो अभी दोबारा से ऑर्डर कर देते हैं, वैसे खर्चे पे खर्चा होते जा रहा है बिना फालतू का। तो यहाँ से अपन दोबारा ऑर्डर कर लेते हैं, वो एक तो अपना टॉयलेट पेपर होल्डर था और एक टॉवल रैक था। ओ मैंने टॉवल भी तो नहीं मंगाया ना, टॉवल भी मंगा लेते हैं यहाँ से दोबारा, ये वाइट वाले सही रहेंगे। तो वाइट वाले और टॉयलेट पेपर वगैरह बाकी सब काम हो चुका है, तो इसको यहाँ से करते जल्दी से ऑर्डर को। मैं इस बार फास्ट में मंगाऊंगा, भले $20-40 लग जाए एक्स्ट्रा, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए क्योंकि अभी दोबारा से फिर रात होने लग गई है, तो काम हमारा जल्दी होना चाहिए बस। लो फिर से हो गई एक बड़ी गलती, मैंने वो कर्टन नहीं मंगाया जो एक खिड़की का रह गया था ना, लेकिन मैंने अभी ऑर्डर कर दिया तो फालतू तो डिलीवरी चार्ज नहीं दूंगा मैं बार बार, जब भी अब दोबारा ऑर्डर करूंगा ना तब मैं साथ में मंगा दूंगा, क्योंकि इतना ज़रूरी भी नहीं है, एक लगा दिया ना बहुत है, एक ही बहुत है, ऐसा ही रूम है, इतना अच्छा रूम भी नहीं है। तो चलो गाइस इस बार डिलीवरी बड़ी फास्ट आई है, क्योंकि डॉलर भी $40 एक्स्ट्रा लिए ना, $40 एक्स्ट्रा लिए तो भाई इस बार उतार के भी जाएगा तो खुद रख के जाएगा इस वेयर हाउस में ना। आ जाओ यहाँ से जल्दी आ जाओ, बहुत लेट हो रहा है, हमको सोना भी है ना, रात के 2 बज रहे हैं गाइज। ये बढ़िया सिस्टम है, रात के 2 बजे भी मंगाओ तुम ये लेके आ जाएंगे डेंजोन वाले, डेंजोन की डिलीवरी बहुत फास्ट है लेकिन पैसे भी ज़्यादा लेते हैं फास्ट के। तो चलो यहाँ से इस बार तो लेके आया ना हमारे वो, मेरे को लगा इस बार भी नहीं लेके आया, लेके आया इस बार 3 ही आइटम मंगाए थे इस बार तो मुझे याद है। चल भाई तू अपना निकल, यहाँ पे हो गई डिलीवरी फिनिश, चलो चलो जाओ यहाँ से, रात हो गई अभी चोर आएंगे यहाँ पे, निकलो यहाँ से जल्दी से, इनको फिट करते हैं फिर सोने चलते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई ना, अभी सोना भी बहुत ज़रूरी है, इनको रख देते हैं सुबह लगाएंगे, अभी खतरनाक वाली नींद आ रही इसलिए मैं सोऊंगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम उठ चुके हैं, अभी भी सही से हाँ तो सही टाइम पे उठ गए, मेरे को लगा आज भी लेट हो गए, लेट नहीं हुए आज, काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गए वैसे, और उल्टा जल्दी उठ गए अपन, लेट नहीं हुए। तो यहाँ से अभी हमारे इनको लगाने, जल्दी से लगाते गाइस फिर होटल को स्टार्ट करते, कमाई नहीं हुई अभी 2-3 दिन से अपन काम किए जा रहे, ये टॉवल हैंडल को लगाते यहाँ पे, ये हो गया कंप्लीट। और गाइस अब तुम्हारे भाई की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, ये जैसे इसको लेके गया इसको लगाते हैं यहाँ पे, ये लग गया गाइस। तो अभी टॉवल वगैरह उसमें लगा देते, इसको करते ओपन, यहाँ से उठाते एक टॉयलेट पेपर, इसको लगाते हैं यहाँ पे, तो इसको लगाते हैं यहाँ पे, और इसमें क्या है टॉवल है, ये भी मैं बढ़िया 2-3 ऑर्डर हो गए थे एक ही साथ में, तो बढ़िया है, एक अपन देंगे दूसरा धोने के लिए दे देंगे, तब तक अपना काम रूटीन चलता रहेगा ऐसे गाइस। 2-3 मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिए ताकि एक को धोने देंगे तब तक दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरे वाले को धोने देंगे तब तक तीसरा वाला आ जाएगा, तो ऐसे काम चलता रहेगा। और इनको यहाँ से करते बंद, और ये एक्स्ट्रा सामान है जो इसको मैं रख देता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा सामान है इनको वेयर हाउस में रख देते, एक पिलो भी एक्स्ट्रा है तो इनको वेयर हाउस में रख देते हैं ताकि दूसरा वाला रूम बनाएंगे ना तब वहाँ काम आएंगे। बाकी एक बार लोकेशन देखो, बहुत प्यारी लगती है यार लोकेशन मेरे को, लेकिन यहाँ पे कोई और है नहीं ना हमारे साथ, लेकिन जैसे जैसे अपनी इनकम वगैरह बढ़ेगी या शॉप वगैरह सब ऑन करेंगे तो अपन एक एम्प्लॉय भी हायर कर लेंगे, ताकि यहाँ पे अपने साथ रहने के लिए भी हो जाए और काम वाम भी बढ़िया होता रहे। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा रूम डन है, तो इसको कर देते हैं बंद, और अभी हमारे मोटेल को ऑन करते हैं। तो अभी हम मोटेल को ऑन कर लेते हैं, रूम वगैरह गाइज अभी भी रूम नॉट रेडी बता रहा है, पता नहीं क्यों, इसमें कुछ रह गया क्या, ऑलमोस्ट कंप्लीट, बेड वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं, ब्लैंकेट, अच्छा ये भाई ब्लैंकेट वगैरह रखने से काम नहीं चलता इनको, चलो ये हमारा इसको पिलो को रखते हैं यहाँ पे। तो इनको सेट करना था जो मैंने सेट कर दिया, बाकी एक बार रूम देखो आप, यहाँ पे ये हो गया बाथरूम, इसका दरवाज़ा कर देते बंद, अंदर से हो गया क्या, बाकी आप रूम देखो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, यहाँ पे इसको कर देते बंद। और अभी कोई कस्टमर वगैरह हमारा आता ही होगा गाइस, ये गाड़ी किसकी है,
ये शायद हमारे फर्स्ट कस्टमर है क्या, आ गए क्या? तो गाइज हमारा फर्स्ट कस्टमर भी आ चुका है, एक बार देखो गाइज। जैसे ही मोटर ऑन किया कि नहीं किया, कस्टमर की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। अभी देखना तो ये कस्टमर आ जाओ रिसेप्शन पे बढ़िया खड़े हो जाते हैं, ताकि इनको पता तो चलेगी होटल वगैरह यहाँ पे। हेलो हेलो मैम, अच्छा इनको वन बेड का रूम चाहिए 96 आवर के लिए। गाइज पहला कस्टमर देखो तुम, कितने लंबे टाइम के लिए आया है। तो यहाँ पे इनको एक रूम दे देते हैं, नो की ऑन टेबल। अच्छा इनको चाबी देनी पड़ेगी, तो वेट फॉर जस्ट 2 मिनट। यहाँ से इसको उठाते हैं, रखते हैं यहाँ पे। हेलो लो गाइज, एक रूम हमारा रेंट पे जा चुका है और इसके $400 मिल रहे हैं। हमें यहाँ से करते कलेक्ट। लो गाइज कस्टमर आए कि नहीं आए, कचरा भी कर दिया, लेकिन कमाई करनी है तो गाइज ये कचरा तो हटाना पड़ेगा। इसको यहाँ से हटाते, सीधा डालते डस्टबिन में। लो गाइस वो डस्टबिन से बाहर गिर गया, लेकिन बाद में उठाते रहेंगे। और अभी मोटल को बंद कर देते, क्योंकि हमारे पास एक ही रूम रेडी था और वो भी जा चुका है। तो मोटल को बंद कर देते हैं, लेकिन देखते कोई और कस्टमर आता ही नहीं आता। और बाकी अपने रूम की रेटिंग देखो तुम, ये बस 5 स्टार में से बस 31 ही हो रखी है, और हमको कंप्लीट करनी पूरी 5 स्टार। उसके बाद हमारी शॉप भी ऑन करेंगे और गैस स्टेशन भी ऑन करेंगे। तो अभी ऑर्डर फ्यूल द स्टेशन। अच्छा अभी हम गैस स्टेशन को ऑन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है, तो फ्यूल को ऑर्डर करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्यूल को ऑर्डर करते हैं, फिर हमारी डबल कमाई होगी गैस, गैस स्टेशन भी कमाई होगी और यहाँ से भी कमाई होगी। तो अभी फ़िलहाल हम कर लेते हैं फ्यूल ऑर्डर। फ्यूल कितना ऑर्डर करते हैं गाइज, अभी के लिए पैसे कम है तो कम ही ऑर्डर करेंगे। हम कर लेते हैं 200 लीटर, है ना, 200 ज़्यादा हो जाएगा, 150 लीटर। 150 लीटर फ्यूल को कर देते ऑर्डर, और अभी हमारा फ्यूल आ जाएगा तो फिर डबल कमाई हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी ये क्लाइमेट कैसे चेंज हो गया, ओहो कितना मौसम ख़राब हो रहा है। बाहर तो हो रखी बारिश तेज वाली, लेकिन अभी चल के सो जाते हैं दिन में भी, क्योंकि काफ़ी रात को लेट सोए थे, तो अभी दिन में सोने का प्लान है, तो सो जाते हैं, तब तक हमारा फ्यूल भी आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम 2 घंटे सो के बढ़िया उठ चुके हैं यहाँ पे, और उतने में हमारा फ्यूल टैंकर भी आ गया उधर। देखो फ्यूल, ये हमारा यहीं पे फ्यूल आएगा। फ्यूल वाले भाई साहब भर दिया क्या फ्यूल, उतने में बारिश के मौसम में भी फ्यूल वाला आ गया टाइम पे, और फ्यूल बनना स्टार्ट भी कर दिया है। तो अभी हमारी कमाई होने वाली है डबल, क्यों उधर से मोटल से भी पैसे आएंगे और इधर फ्यूल भर के भी अपन कमाई करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं फ्यूल कितना लेके आए, ये पूरा लेके आए कि नहीं लेके। तो अभी हमारे पास 210 लीटर फ्यूल हो चुका है, और इसको बेच के हम डबल कमाई करने वाले हैं। तो यहाँ से गैस स्टेशन को भी ऑन कर देते हैं, ताकि हमारी फ्यूल से अच्छी खासी कमाई होने लग जाए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।